ये रही भाई हमारी बॉनफायर। ड्रीम था यार शकरकंदी खुद भून के खाने का। अभी हमने बनाया टोमेटो सूप। आज जो भी बन रहा है तगड़ा ही बन रहा है भाई। थोड़ी सी हल्दी स्वाद अनुसार। अपने दोनों शिकारी आ चुके हैं जय और वीरू। नई नई जगह होती है तो थोड़ा सा डर का माहौल तो होता ही है। बाहर ना वो चमगादड़ आ गए, एक तो पहले उन्होंने डरा दिया। स्वाद आ गया भाई। So hey guys, welcome back to Rambling Boundaries। कल के ब्लॉग में आपने देखा था भाई, हम अपना टेंट सेटअप किया, गाड़ी को एक अच्छी लोकेशन पे लगाया, बॉनफायर किया। आपको थोड़ी सी झलक दिखाते हैं। 3:48, ये रहा भाई हमारा टेंट का सेटअप, ये रही हमारी गाड़ी। Rambling Boundaries यहाँ पे खड़ी है और थोड़ी सी ना स्लोप है नीचे को। कैसा एक्सपीरियंस है आपका अभी तक? अच्छा है, अभी तक तो अच्छा है। और ये रही भाई हमारी बॉनफायर। लकड़ी हमने सारी इधर उधर से इकट्ठा करी थी, जैसा कि हमने आपको लास्ट व्लॉग में बताया था। जो लोग छोड़ कर गए थे हमने इधर उधर से, इतना जितना आप एरिया देख रहे हो ना, हर जगह से जा करके कलेक्ट करी है। और ये आपको एरिया बता देता हूँ, BPF देवीदड़। आप यहाँ पे आ सकते हो, अपना एंजॉयमेंट कर सकते हो, बट शर्त ये जितनी बार भी आप यहाँ पे आओगे कैंपिंग करोगे, और भाई थोड़ा सा ना सफाई का ध्यान रखना, क्योंकि आप यहाँ पे एक बार आओगे तो आपको बार बार आने का मन करेगा। हम यहाँ पे आए, लकड़ियां कलेक्ट करी, उस दौरान हमें बहुत सा गंद देखने को मिला है भाई, वो चीजें ना करें। तो दिखाते हैं आपको अगला जलवा क्या रहने वाला है। लोकेशन देख लो आप, क्या जबरदस्त है। अभी बहुत जल्दी करते हैं भाई, अपना गैस हमने सेटअप कर दिया, मूंगफली लेके आए। शकरकंदी खाने का ना काफी दिनों से मन कर रहा था। स्वीट पोटैटो होता है भाई शकरकंदी, भाई जितना भी गंद है ना हम अपने साथ ही लेके जाएंगे। पहले दो पीस डाल के देखते हैं। डाल दो। वाओ भाई यार मजा आ गया, मेरा तो ये ड्रीम था यार शकरकंदी खुद भून के खाने का। मजेदार व्यू है भाई। एक बार आपको ना थोड़े से सिनेमैटिक्स व्यू दिखाता हूँ, कोशिश करता हूँ भाई सिनेमैटिक्स व्यू बनाने की, कि मैं बना पाता हूँ या नहीं। तो थोड़ा सा सपोर्ट भी करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना, वीडियो को लाइक भी करना, और मेरे सिनेमैटिक्स व्यू अगर अच्छे लगे तो भी बताना भाई। थोड़ा सा कोशिश करता हूँ मैं बनाने की आज। जब भी आप कहीं ट्रैवल करते हो, ट्रैकिंग करते हो, टेंटिंग करते हो, ऐसे डॉगी आपके पास आए तो उनके लिए स्पेशली भाई बिस्किट वगैरह लेकर के आए। इसके पीछे भी एक राज है, ये डॉगी आपके पीछे क्यों चलते हैं अगर आपको पता ना हो तो मैं बता दूं भाई, अगर मेरा थ्योरी थोड़ी सी सही है। अपने पांडव थे, वो क्या हुआ भाई, जब स्वर्ग का द्वार तक जाना था उन्होंने, तो यमराज जो है कुत्ते के रूप धारण करके उनको स्वर्ग का रास्ता दिखाया था उन्होंने। तो हर बार जब भी आप ट्रैकिंग करते हो, टेंटिंग करते हो, कुत्ते आपकी हिफाजत के लिए आते हैं, तो इनके साथ बदसलूकी ना करें, इनको भी खाने पीने के लिए कुछ ना कुछ देते रहें। अगर मैं गलत हूं तो भाई आप कमेंट कर देना। ये बिस्लरी का पानी की बोतल है, ये हम ले आए वहां से जो मनरेगा पार्क है, भर करके खाली बोतल हम घर से लेके आए थे। ये इससे हम पानी निकालते हैं ऐसे। ये देखो लोगों के हाल, बोतलें, संतरा पिया हुआ है, दारू होती है संतरा, यहाँ फेंकी हुई है। ये भाई हमारा लाइफ है, हैंड वॉश करने के लिए हमने इसको यहाँ पे रखा हुआ है। बाद में हम इसको प्रॉपर उठा करके अपने टेंट में या गाड़ी में रख देंगे सारा सामान। देखो बैठ गया ना बच्चा, अच्छा है। हमारी जो शकरकंदी है भून के तैयार हो चुकी है। सीरियसली क्या टेस्ट आ रहा है, बस एक चीज की कमी है, और वो एक हरे वाली चटनी की। वो मिल जाए ना इस टाइम, सोने पे सुहागा हो जाए। और जो इसका जला हुआ पार्ट है ना, ये बहुत टेस्टी लग रहा है भाई, सीरियसली मजा आ रहा है। कभी कैंपिंग में शकरकंदी को जैसे बॉनफायर करते हैं ना, शकरकंदी ले जा करके देखो, मजा आएगा फॉर श्योर भाई, अल्टीमेट। तो भाई अपना सूप जो है बनके तैयार है। अभी हमने बनाया टोमेटो सूप, ऊपर हवा लग रही थी भाई टेबल के ऊपर, तो हमने पेड़ की अड़ेस में इसको रखा हुआ है गैस को। शकरकंदी को सूप के साथ खाएंगे। ये यहाँ से हवा आ रही है बहुत खतरनाक वाली भाई। एक गलती कर दी हमने, हमें गाड़ी ना थोड़ी सी पीछे लगा करके ऐसे लगानी चाहिए थी, ताकि जो है टेंट को कवर अप कर सके। पर चलो ठीक है, एनी हाउ सब कुछ अच्छा जा रहा है। शकरकंदी थोड़ी सी ज्यादा बुझ गई है, ये देखो भाई, आह क्या मस्त निकल रहा है ना अंदर से। इसको अब हम खाएंगे, ये देखो धुआं ना पीछे नहीं छोड़ रहा यार। आपके लिए मैं स्पेशल आऊंगा यहाँ पे। ये है शकरकंदी के नज़ारे। सर्दियों में भाई शकरकंदी नहीं खाई तो क्या खाया हाँ? वाह, इसके अंदर कोई हरी चटनी डाल दो फिर खाएंगे। 3 किलो शकरकंदी लाया था वो मैं खुद ही खा गया भाई, मैं सर खा नहीं रहे। खा किलो तो हाँ, मीठी उतनी भी नहीं है, अच्छी है। टाइम है 5:02, अंधेरा होने लगा है पहाड़ी पे, आप देख सकते हो सामने धूप है। और भाई हमारी आवाज क्या गूंज रही है खतरनाक, हाथ भाई सिकुड़ चुके हैं, ठंड लग रही है तगड़े वाली। गाड़ियां इक्का दुक्का आ रही है भाई, इतना ज्यादा ट्रैफिक यहाँ पे नहीं आता। इतना बड़ा क्रिसमस का ट्री, ये रही भाई हमारी लाइटिंग, यहाँ से जाती हुई और उस पेड़ तक है भाई। आप लाइट देखना रात के टाइम, तो भाई सच में नजारा आने वाला है यार, एक बार देखना भाई, मेरा ड्रीम कम ट्रू हो चुका है यहाँ पे आज।
सीरियसली भाई क्या मजेदार चीज है, हम क्रिसमस मनाते हैं भाई ऐसी जगह में आकर के। क्या गजब लग रहा है ना व्यू, रात को दिखाते हैं भैया आपको, जब ये जगमग करेगा ना, ना मजा आया, पूरे पैसे वापस। भले भाई छोटी मोटी है पर मजा तो आ ही रहा है ना, इंजॉय तो कर ही रहे हैं। यहाँ लाइटिंग हमारी लग चुकी है, बॉर्न फायर हमारी चली हुई है, पूल से नीचे बच्चे आ रहे हैं। 5:04 में बच्चों कौन सा स्कूल है इस टाइम, छुट्टी कितने बजे होती है आपको? 4 बजे। कितने किलोमीटर पैदल आते हो? 5 किलोमीटर पैदल। ओ भाई साहब 1 घंटे से पैदल चल रहे हैं, आगे कितने किलोमीटर और जाओगे? 1 किलोमीटर और पैदल। ओ भाई मूंगफली खा लो। स्कूल वाले बच्चे 7-7, 8-8 किलोमीटर पैदल चल के पढ़ने जाते हैं। 4 बजे छुट्टी हुई है, 5 बज चुके हैं, बच्चों को मैंने मूंगफली दी खाने के लिए भाई, ताकि थोड़ा सा ना वार्म अप हो जाए। गुलाब चिक्स इनके पूरे लाल हो रखे हैं भाई। हमारा जो खाना है वो पता क्या बन रहा है, मसूर की दाल और चावल, जो हमारी मेन रेसिपी है। उसके लिए सबसे पहले लहसुन छीला जाएगा, उसके बाद प्याज छीला जाएगा। आपने हमारे स्पीति ट्रिप में मैक्सिमम ये चीजें ट्राई करी देखी होंगी जो हमने ट्राई करी थी भाई, दाल क्या जबरदस्त बनती है। उम्मीद करता हूँ कि आज भी हमारी दाल उतनी ही अच्छी बने जितने की ट्रिप के दौरान रहती है। तो सारा प्रोसीजर आपको दिखाता हूँ भाई धीरे धीरे, कैसे क्या हम तैयार कर रहे हैं। अभी तो सिर्फ लहसुन छिला जा रहा है, प्याज छिला जाएगा। एक्सपीरियंस ना आप और रेस्टोरेंट में पैसे देके भी नहीं ले सकते, जो आप ये फील अभी खुद एक्सपीरियंस करते हो। आओ यहाँ पे टाइम निकालो भाई, ये सब इंजॉय करो, फील करो, तभी जाकर के मजा आता है भाई जिंदगी जीने का। प्याज टमाटर काटने का मजा ही कुछ और है। प्याज जैसे कि मैंने बोला मैंने रोस्ट कर दिया था, रोस्ट मतलब इसको आग में भून लिया था भाई। अब इसका छिलका उतार के इसको चॉपिंग करेंगे और मजेदार सीन जो है तैयार हो जाएगा। मेरी आवाज दूर से आएगी, माइक लगाता हूँ भाई। अब महिमा सर को ना खाना बनाना नहीं आता है, और बताओ, इसलिए बोलते खाना आप बनाना सीख लो, जिससे क्या रहता है ना कि ऐसे सर्वाइवल करना हो तो सही रहता है आपको, नहीं तो भाई मैगी पे जिंदा रहना पड़ता है। ऐसे शक्करकंदी को भुना था तो वैसे मैंने टमाटरों को भुना, मैंने सोचा अच्छा बनेगा भाई, टमाटरों का कोई ऐसा पता ही खत्म हो गया, देखते कैसा टेस्ट आएगा, क्योंकि थोड़ा सा स्मोकी फ्लेवर भी चाहिए था। तो ये है इस टाइम टमाटरों की कंडीशन भाई, ज्यादा सेक लग गया इनको यार। चलो ठीक है जो भी है, एक साइड तड़का बजी रहा है। तो भाई पहली बार ही होता है, कोई ना, आज जो भी बन रहा है तगड़ा ही बन रहा है भाई। थोड़ी सी हल्दी स्वादानुसार भाई, हल्दी होगी तैयार। आज हमने अभी दूसरी लाइट लगाई, अब देखो भाई बाहर का नज़ारा कैसा आ रहा है। भाई 5:46 हो रखे हैं और अभी बस आई है यहाँ पे, क्या बात है यार। अपने दोनों शिकारी आ चुके हैं, जय और वीरू। सबसे अच्छा साइन है कि भाई ये दोनों यहाँ पे आए हैं। ये रहा भाई अपना टेंट, और टेंट के साथ में गाड़ी, प्लस भाई लाइटिंग वगैरह हमने सारा कुछ कर रखी है एकदम A1। दाल हमारी हो चुकी है, चावल बन रहे हैं, आग भाई अच्छी खासी चली हुई है, बॉर्न फायर का मजा तो भाई बॉर्न फायर का ही है। सबसे बेस्ट चीज आपको दिखाऊं भाई, इसको लात मत मार देना दाल है ये, देखो भाई मून, क्या जबरदस्त फीलिंग आ रही है। और आपको आवाज सुनाऊं अपनी, क्या हो गया? भाई मैंने मून किया, डॉगी यहाँ से भाग के नीचे चले गए। अभी नीचे क्यों गए हैं इसका थोड़ा सा पता क्या होता है ना यार, नई नई जगह होती है तो थोड़ा सा डर का माहौल तो होता ही है। डर तो मैं नहीं रहा हूँ, हमसे ज्यादा शक्ति सूंघने की इनके अंदर होती है। कोई ना भाई, हम तो अपना खाना पीना खा करके सारा सामान जो है क्लोज करके फिर अपना अंदर सोएंगे, क्यों भाई? मैं सर टेंट में चलते हैं भाई। हाँ टेंट में खाएंगे भाई। अभी जैसे गुब्बारा नहीं उड़ता उस तरह से आया कुछ उड़ता हुआ और इस पेड़ के ऊपर चढ़ गया, और वो पता क्या था, 2-3 आए कट हमारी तो हिल गई भाई, मेरी और महिमा सर की, कि क्या आ गया क्या आ गया। बाद में देखा भाई ये चमगादड़ थे कट्ठे हुए एकदम से, क्योंकि भाई हम तो उनके गांव में आ गए ना, तो वो तो छिप गए पेड़ों के पीछे, वो तो नहीं निकलते बाहर। तो भाई अपना खाना भी बन के तैयार है, खाना खाते हैं उसके बाद सीधा अपने टेंट के अंदर घुस जाएंगे। तो ज्यादा देर बाहर खड़े होना बिल्कुल भी सही नहीं है, खड़ी होने ऐसी लगाई है भाई, बिल्कुल स्लोप है ऐसे। सर्व हो रहा है खाना ये भी एक क्लास तरीके से, और अपने टेंट के अंदर भाई बाहर खाना बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है। मुनासिब पता क्या होता है, रुको ऐसे डाल देता हूँ मैं, उल्टा दो अब तो। ओ बचाओ बचाओ बचाओ, आज भाई थालियाँ लाना भूल गए तो डायरेक्ट इसी से काम चल रहा है। आज घी भी नहीं है भाई हमारे पास, वैसे घी होता था ना, ये लो। तो ये भाई अपना टेंट है, बाहर ना वो चमगादड़ आ गए, एक तो पहले उन्होंने डरा दिया, फिर उसके बाद बाहर खाना बिल्कुल भी सेफ नहीं है, इसलिए यहाँ पे खा रहे हैं और खाने का टेस्ट लेते हैं। महिमा सर बनी कैसी है खाना है? मिर्च मिर्च मस्त, बिल्कुल सेट है सब कुछ एक क्लास। देखा भाई चलो जो भी है भाई,
खाना तो पड़ेगा भाई, इसको निपटाते हैं फिर करते हैं आपसे नेक्स्ट बातचीत। अदरक थोड़ा सा ना गोला नहीं है अभी, पर जो भी है खा जाओ इसको। स्वाद आ गया भाई, मैं तो एक्स्ट्रा नमक भी ले आया था कि नमक कम होगा। जबरदस्त दाल बची है, इसको पी के कर जाएंगे। दिखाना मुझे सर फ्राई पैन पे। ओ भाई, पी के कर जाएंगे इसको, अब फिर लंबे पड़ जाएंगे। खाना हम कंप्लीट कर चुके हैं भाई, मुश्किल से खाया भाई। मिर्च कैसी थी? मिर्च मस्त, खतरनाक, जलवा। अब एक बची है, लो जी। ना भाई, महिमा सर पता क्या बोल रहे थे भाई, इसको भी डाल दे। दो मिर्चों ने ऐसा अलग कर दिया ना भाई, बॉडी पूरी फुल पावर गर्म हो चुकी है। महिमा सर आप एक छोटा सा एक्सपीरियंस बताओगे, आपको कैंपिंग में आकर के कैसा फील हो रहा है? मस्त फील हो रहा है, मस्त बढ़िया, टेंशन फ्री। और भाई 7:50 अभी हमने शरण ले ली है अपने टेंट में और घुस चुके हैं अपने स्लीपिंग बैग में। महिमा सर ने पहली बार जो है टेंट का, सॉरी स्लीपिंग बैग का मजा उठा रहे हैं, तो कुछ ऐसा सा सीक्वेंस है। और अपना तो भाई एज यूजुअली चलता ही रहता है अब टेंट वाला सीन। भाई वैसे लेट के बात करूं ऐसे, क्योंकि भाई पता क्या है, हमारी जो टेंट हमने लगा रखा है ना वो स्लोप में है ऐसे नीचे को, तो अभी हमारा जो सीक्वेंस है इसमें बैठ नहीं सकता, स्लीप हो रहा हूँ। तो आज का हमारा जो ब्लॉग है वो आपको कैसा लगा भाई वो ज़रूर बताएं, ठीक है? इतनी ज़्यादा मेहनत करते हैं, आपको अच्छी अच्छी लोकेशंस बताते हैं, आपको मौका भी मिलता है ना यहाँ पे आने का, तो कभी भी आ सकते हो भाई आप। तो भाई आप सब अगर यहाँ पे आना चाहते हो तो मैं यहाँ की जो लोकेशन है वो पिन कर दूंगा, तो आप डायरेक्ट यहीं पे आ सकते हो। यहाँ का अगर आप लोकेशन डालोगे DPF देवीडड़, बस ये कि भाई आप अपनी नेचर का ख्याल रखो जब यहाँ पे आते हो भाई, कूड़ा करकट यहाँ पे बहुत ज्यादा है, एडवांस लेवल पे यहाँ पे गंदगी फैल रखी है, सफाई करने वाला कोई है नहीं भाई। अगर जब भी आप आते हो थोड़ी बहुत सफाई आप खुद भी कर सकते हो, और अपना गंद यहाँ पे फैला के मत जाना। तो आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा भाई तो जरूर बताना, अगर ब्लॉग में कुछ भी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, अगर बुरा भी लगा तब भी वीडियो को लाइक करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके साथ इसकी वीडियो का यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वाचिंग रैम्बलिंग बाउंड्रीज। जय हिंद, जय श्री राम। और महिमा सर का ऐसे देखो लाइटमैन बने हो भाई, गर्माहट आ रही है, गर्माहट भाई फुल पावर, देख लो आप मजे भाई। अब सुबह का व्यू दिखाएंगे जब हम टेंट खोलेंगे ना यहां से, और बाहर का व्यू जब आएगा ओए होए 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 क्या मस्त होएगा। तो भाई ये एक्साइटमेंट बनी रहनी चाहिए, देखो लाइफ है, विदाउट एक्साइटमेंट कोई बात ही नहीं बनती। यहाँ पे भाई हमने अपनी लाइट थोड़ी सी ना जला के रखी है यहाँ पे, रेड वाली एमरजेंसी लाइट, रात को ना कुछ भी हो तो पानी पुनी पी सकें।